तुम जो भी हो अभी के अभी रुक जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी रुक जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसे देखकर लगता तो नहीं कि इतनी आसानी से रुकने वाला है, और सबसे पहले तो मुझे इसे शहर से दूर ले जाना होगा ताकि ये और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। पर ये इतना बड़ा है, मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से ले भी नहीं जा सकता। मुझे पहले इसे बेहोश करना होगा। मुझे इसे शहर से दूर ले जाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसा हो गया है। मैं इसका दिमाग पढ़ने का ट्राई करता हूँ। अच्छा, तो किसी ने उसको जादू से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब समझ आया, मुझे इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा और इसे उस जादूगर के जादू से मुक्त करना होगा। मुझे इस पर हमला करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि इसको चोट ना आए और मैं इसे रोक भी लूं, क्योंकि ये आखिर जो कर रहा है वो खुद की मर्जी से नहीं कर रहा, ये तो किसी और के कंट्रोल में है। मुझे इसे किसी तरह बेहोश करना होगा जिससे मैं इसके दिमाग में घुसकर उस जादू के असर को खत्म कर सकूं।
मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। पर मैं हूँ कहाँ और यहाँ कैसे आया? परेशान मत हो, तुम पर किसी जादूगर ने जादू करके तुम्हारे माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे तुम पूरे शहर को बर्बाद कर रहे थे। तभी मैं तुम्हें शांत करने और शहर को बर्बाद होने से बचाने के लिए यहाँ लेकर आया। ओ अच्छा, ठीक है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। हाँ, वो जादू कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था, जिससे तुम्हारे साथ उस दौरान क्या क्या हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझको इतना बुरा करने से रोक लिया। तुमने अपना नाम नहीं बताया। इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, मेरा यही तो काम है। लोग मुझे प्यार से शक्तिमान के नाम से जानते हैं। तो ठीक है शक्तिमान जी, आज से हम दोनों दोस्त, और आपको फिर कभी किसी तरह के विलेन को हराने के लिए मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझको याद कर लीजिएगा। मेरा विलेंस को फोड़ने का बहुत पुराना पेशा है,